सो दोस्तों ये वाली वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एंड तक वीडियो वॉच करने के बाद आपके दिल से बस एक ही बात निकलेगी, क्या बात है। और दोस्तों मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग खुशी से झूम उठेंगे, नाचने लगेंगे, और दोस्तों फिर से आप एक ही बात कहेंगे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो है ही इतनी ज्यादा खास। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लीजिए, मेरा नाम है राज और आप देखें टेक विद आरएज यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमारे 100 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं, तो जाके प्लीज सपोर्ट करो यार। क्या कर रहे हो आप लोग, सपोर्ट नहीं करते हो तो जाके जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों YouTube पे इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं YouTube की टिप्स देने वाले, आपने ज़्यादातर की वीडियो में या उनको कहते सुना होगा कि आपको शॉर्ट्स के लिए एक अलग चैनल बना लेना चाहिए, शॉर्ट्स वीडियो के लिए, और लॉन्ग वीडियो के लिए एक अलग चैनल बना लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वो लोग कहते हैं अगर आप शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो एक ही चैनल पर अपलोड करते हैं तो यहाँ पे जो आपका चैनल है धीरे धीरे डेड होता चला जाएगा। दोस्तों चैनल डेड होने के पीछे वो रीज़न भी बताते हैं कि जो शॉर्ट्स की ऑडियंस है वो लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करती, उनको शॉर्ट्स वीडियो देखना ही पसंद है। और दोस्तों उनकी ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, लेकिन 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 दोस्तों गुड न्यूज़ ये नहीं है, गुड न्यूज़ तो ये है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ अगर आप शॉर्ट्स वीडियो को और लॉन्ग वीडियो को एक ही चैनल पर अपलोड करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी अर्निंग है डबल होने वाली है, प्लस जो आपका चैनल है मेन चैनल है वो भी आपका काफ़ी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। अब दोस्तों आपकी अर्निंग डबल कैसे होगी उसको हम साइड में कर देते हैं, पहले दोस्तों ये जानते हैं कि जो आपका चैनल है मोनेटाइज जल्दी जल्दी कैसे हो जाएगा। अब दोस्तों ये बात तो आपको ही पता होगी, जो शॉर्ट्स वीडियो की रीच है वो लॉन्ग वीडियो से कई गुना ज़्यादा है। और दोस्तों जहाँ आपको एक शॉर्ट वीडियो पे 100 व्यूज़ लाना ही मुश्किल हो जाता है, वहीं दोस्तों आपके एक शॉर्ट वीडियो पे 1000 व्यूज़ बहुत आसानी से आ जाते हैं। और दोस्तों अगर जब व्यूज आते हैं तो उससे दोस्तों सब्सक्राइबर भी आते हैं, और दोस्तों जब सब्सक्राइबर आएंगे तो आपका वॉच टाइम भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे पता है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ये बात बोले हैं कि भाई तुझे पता नहीं है क्या शॉर्ट्स वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, तो दोस्तों मुझे पता है कि शॉर्ट्स वीडियो का वॉच टाइम बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइबर तो काउंट किए जाते हैं ना। और दोस्तों अगर वो सब्सक्राइबर आपके चैनल पर हो गए हैं, 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर आ गए हैं और आप उसके बाद अपने चैनल पर कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए वहाँ पर कुछ ना कुछ व्यूज़ तो जरूर आएंगे, और आप देखेंगे जो आप पहले लॉन्ग वीडियो अपलोड करते थे उससे अच्छा रिस्पॉन्स आपको अब मिलना शुरू हो गया है अपनी उस लॉन्ग वीडियो पर। और दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपके पास ऑलरेडी 1000 सब्सक्राइबर आ गए हैं, और दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर में से अगर 100-200 सब्सक्राइबर भी आपकी वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों जो आपका वॉच टाइम है कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है। और दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई भी मना नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि आपको एक ही चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करना चाहिए, प्लस लॉन्ग वीडियो को भी अपलोड करते रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये भी कोई गुड न्यूज़ नहीं है, गुड न्यूज़ तो दोस्तों मैं इसके बाद बताने वाला हूँ, और दोस्तों उसको सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे मैं एकदम सही कह रहा हूँ, आपको एक ही चैनल पर दोनों ही प्रकार की वीडियो अपलोड करनी चाहिए, शॉर्ट वीडियो भी और लॉन्ग वीडियो भी। क्योंकि दोस्तों इससे जो आपका दूसरा बड़ा फायदा होने वाला है वो दोस्तों आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी। जो दोस्तों पहला फायदा है वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो वॉच टाइम है और जो आपके सब्सक्राइबर है काफी जल्दी आप कंप्लीट कर लेंगे। बात करते हैं गुड न्यूज की, और दोस्तों बिगेस्ट न्यूज है ये वाली 2022 की। मुझे लगता है इससे बड़ी न्यूज यूट्यूब की तरफ से इस साल कोई भी नहीं हो सकती है, और दोस्तों ये वाली जो न्यूज है वो है दोस्तों आपकी शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन से रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों आपने एकदम सही सुना, जो आपके शॉर्ट्स हैं वो भी बहुत ही जल्द मोनेटाइज होने शुरू हो जाएंगे। इतनी खुशी। जी हाँ दोस्तों जो आपकी शॉर्ट्स वाली वीडियो है वो भी मोनेटाइज होना शुरू हो जाएंगी, उस पर भी एड रन होगी, और दोस्तों आपकी वहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। मैं दोस्तों कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, जितने भी मैं आपको बात बता रहा हूँ एकदम सही है, इसलिए दोस्तों मैं आपको जो भी आगे बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आज है 21 तारीख, लेकिन दोस्तों ठीक आज से एक दिन पहले यानी कि 20 तारीख को कल दोस्तों यूट्यूब की एक मीटिंग हुई जिसमें दोस्तों उन्होंने अपडेट के थ्रू बताया है कि जो आपकी शॉर्ट्स वीडियो हैं वो भी मोनेटाइज हो जाएंगी। और दोस्तों ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया है यूट्यूब की तरफ से कि आपकी जो शॉर्ट्स वीडियो है वो भी यहाँ पे मोनेटाइज होंगी इन फ्यूचर, और दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। दोस्तों जो आपके रील्स का मोनेटाइजेशन है वो दोस्तों 2023 के शुरुआती महीनों में हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये मान के चलिए 2 से 3 महीने के अंदर ये वाला अपडेट आ जाएगा और जो आपकी शॉर्ट्स वीडियो हैं वो भी मोनेटाइज होने लगेंगी। अब दोस्तों आप लोग खुशी के मारे सपने देखने लगो, साथ में आसमान में चढ़ जाओ कि हम अपने चैनल मोनेटाइज करके ये करेंगे वो करेंगे, उससे पहले दोस्तों आप क्राइटेरिया जान लीजिए आखिर क्या क्राइटेरिया होने वाला है शॉर्ट्स वीडियो को मोनेटाइज करने के लिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि लॉन्ग वीडियो के चैनल को मोनेटाइज करने के लिए पिछले 365 दिन के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, प्लस 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए, और दोस्तों आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ही जो आपका लॉन्ग वीडियो का चैनल है वो मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट वीडियो को या शॉर्ट वीडियो के चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया है। अगर दोस्तों आप शॉर्ट क्रिएटर हैं, अगर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 90 डेज का टाइम मिलता है, और दोस्तों को 90 डेज के अंदर यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर वॉच टाइम नहीं चाहिए होता है, क्योंकि दोस्तों ये वाली बात तो आप भी जानते हैं, और दोस्तों मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताया है कि जो शॉर्ट्स
का वॉच टाइम है काउंट नहीं होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम वॉच टाइम की जरूरत नहीं है अपने शॉर्ट्स वीडियो को या शॉर्ट्स चैनल को मोनिटाइज करने के लिए। लेकिन दोस्तों उसकी जगह पे हमें 10 मिलियन व्यूज चाहिए अपनी शॉर्ट्स चैनल या शॉर्ट वीडियो को मोनिटाइज करने के लिए 90 डेज के अंदर। अगर दोस्तों अभी कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो शॉर्ट्स है वो मोनिटाइज हो जाएगा और वहाँ पे ऐड आना शुरू हो जाएगी और आपकी वहाँ से अर्निंग शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों को काफ़ी बड़ा टारगेट लग रहा होगा 10 मिलियन व्यूज का, पर दोस्तों यकीन मानिए आप इसको एक महीने के अंदर ही अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको वीडियो की शुरुआत से ही बताते आ रहा हूँ कि जो शॉर्ट्स वीडियो की रीच है वो लॉन्ग वीडियो से कई गुना ज़्यादा होती है दोस्तों। और अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली 30 दिन मेहनत कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए जो आपका क्राइटेरिया सिर्फ एक महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, 10 मिलियन व्यूज शॉर्ट्स के थ्रू लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं कितना किसको शेयर मिलेगा मोनेटाइजेशन के बाद। तो दोस्तों 55% YouTube रखेगा जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा और दोस्तों 45% क्रिएटर में बांट दिया जाएगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है शॉर्ट्स वीडियो है तो पर्सनली जो ऐड है आपके चैनल पे ही आएगी, जितना भी रेवेन्यू सब आपको ही मिलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो 45% का रेवेन्यू होने वाला है तो दोस्तों वो उन सभी क्रिएटर के बीच बांटा जाएगा जिनके बीच में वो ऐड आएगी। अब दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं और दोस्तों उसको स्वाइप करने के बाद उस पर एक ऐड आती है, जो ऐड आई दोस्तों वो भी स्वाइपेबल होती है। आप उसको जब स्वाइप करके दूसरी उस पर आ जाते हैं शॉर्ट पर तो दोस्तों आप दूसरी शॉर्ट वॉच करने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे होगा क्या, जो दो शॉर्ट के बीच में ऐड आई है वो दोस्तों दोनों शॉर्ट के लिए एप्लीकेबल होगी, यानी कि दोस्तों जो उस ऐड का रेवेन्यू होगा वो आपके शॉर्ट पर भी आएगा प्लस जो दूसरी शॉर्ट आपके बाद आई है उस ऐड के बाद आई है उस क्रिएटर को भी दिया जाएगा। और दोस्तों इसी तरीके से 30 दिनों के बाद जितना भी 45% का रेवेन्यू है वो उन सभी क्रिएटरों के बीच में बांट दिया जाएगा जिसके बीच में वो एड्स आई हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये वाली वीडियो देख के आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया होगा और दोस्तों मैंने आपको जो गुड न्यूज़ दी है उसके बाद दोस्तों आप लोग जरूर शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। और दोस्तों अभी तक मैंने भी शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू नहीं किया है और दोस्तों मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, क्योंकि दोस्तों अब हमारी जो अर्निंग है डबल होने वाली है एक ही चैनल पर। तो दोस्तों एक और अर्निंग का आपका सोर्स हो सकता है दोस्तों, इससे आपकी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। हाँ दोस्तों मुझे पता है कि लॉन्ग वीडियो के बराबर अर्निंग नहीं होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ से आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी यकीन मानिए। तो जाके दोस्तों आपको करना क्या है, शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर देना है और दोस्तों इंतजार करना उस अपडेट का और जल्दी जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज यहाँ पे करा लेना है। तो जल्दी जाइए दोस्तों शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कीजिए। और दोस्तों जिन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है तो अच्छी बात है, और दोस्तों जो लोग अभी सोच रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो से कुछ नहीं होता है तो दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है इन फ्यूचर, तो जाके जल्दी से शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों अभी आपको पता होगा शॉर्ट वीडियो पे शॉर्ट फंड दिया जाता है क्रिएटर लोगों को, तो दोस्तों अभी तो आपको मिलता ही रहेगा प्लस दोस्तों जो आपका चैनल है वो भी मोनेटाइज हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी पसंद आई तो जाकर एक वीडियो को लाइक कर दो यार इस कमाल की गुड न्यूज के लिए। और दोस्तों अगर आपने लाइक कर दिया तो प्लीज नीचे की तरफ देखो एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको भी जाके दबा दो यार, जाओ जल्दी दबा दो और उसको दबाने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।